पर फानी सेवा समिति द्वारा लगातार 14 वर्षों से कराई जा रही है निःशुल्क यात्रा। यह जानकारी संस्था के सज्जन सर परमार ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद पहली बार यह यात्रा फिर से शुभारंभ होने जा रही है। बाबा महाकाल की कृपा से हम सब पर बनी रहे। सज्जन सह परमार भोलेनाथ के परम भक्त के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। श्रद्धालुओं को पूर्ण सुविधाओं के साथ में यात्रा करवाते हैं। महाशिवरात्रि पर भी निःशुल्क फरियार वितरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। धर्म के प्रति उनका यह लगाव सभी के दिलों में नई प्रेरणा एवं ऊर्जा प्रदान करता है। कि भूखे कौन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ये हमारी समिति का नारा है। और पिछले कई वर्षों से मैं समिति की तरफ से प्रदेशवासियों को अमरनाथ यात्रा कराता आया हूँ। अभी हमने मांग करी है श्राइन बोर्ड से कि रजिस्ट्रेशन जो कि पहले मार्च में चालू हुआ कर जाते थे अभी वो एक महीने लेट हो गए हैं, और हमने ज्ञापन देके जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की मांग करी है, क्योंकि जनता में एक उत्साह है अमरनाथ यात्रा जाने के लिए, एक उत्सुकता देखी जा रही है। प्रदेश से मेरे पास हर रोज़ 150 फ़ोन आते हैं कि भैया इस बार यात्रा कितनी तारीख को चलेंगे, रजिस्ट्रेशन कब होंगे, ये जानकारी रोज़ हमारे ऑफिस में फ़ोन पे मांगी जा रही है। तो 11 तारीख से सरकार ने निर्णय लिया है रजिस्ट्रेशन कराने का, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो उसमें हम फर्स्ट लाड में रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी तैयारियाँ हैं पूरी समिति की, और कोशिश है इस बार जिस हिसाब से हमारे पास इंक्वायरी आ रही है 1500 से 1600 यात्री अलग अलग जत्थे में सिर्फ बर्फानी सेवा समिति उनको दर्शन कराएगी, और दोनों रूट से पहलगांव से भी और बालटाल से भी। यात्रियों की सुविधा के लिए हमने वहाँ पे एक श्रीनगर में बालटाल रूट पे मनी गांव करके जगह है, वहाँ पे एक भंडारे का हमारा पिछले 14 वर्षों से आयोजन होता है, एक भव्य भंडारा लगता है जो कि पिछले 14 सालों से लगातार अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाया जाता है, जिसमें दिल्ली के हमारे शर्मा बंधु हैं, मध्य प्रदेश से हमारी बर्फानी सेवा समिति है, ऐसे 7 लोगों मिलकर हम एक भंडारा संचालित करते हैं जहाँ सारे यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।